हेलो बड़ी से पेस्ट दिस इज मैं हमारा आप सभी लोग साथ हमारे प्लांट के अमेजिंग जगह में हमारे प्लांट्स प्लांट्स में सो एक नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं बिगनर्स के लिए, वो बिगनर्स जो बहुत ही ज़्यादा लेजी हैं या बिगनर नहीं भी हैं फिर भी आप लेजी हैं और फिर भी प्लांट्स लगाना चाहते हैं घरों में, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। अब लेजी टर्म्स के लिए यूज़ करना वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त ज़्यादा नहीं है या फिर ऐसे लोग जो प्लांट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं लेकिन प्लांट वो घरों में रखना चाहते हैं, उनके लिए ये पांच प्लांट्स होने वाले हैं। लेकिन मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं, जैसे मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, लकी बैम्बू हो गया, जीजी प्लांट हो गया, इस तरह के जो भी पौधे होते हैं वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है और लगभग हर एक वीडियो में हमने उसके बारे में बात की है। तो सेम ही प्लांट्स पर बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़े से अलग प्लांट्स होंगे, हालांकि आपने सुना हो सकते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल अलग हो जो नॉर्मली हम टॉपिक कवर करते हैं या लोग नॉर्मली जो बताते हैं। और साथ ही साथ मैं उनके केयर और कुछ टिप्स भी देता रहूँगा जिससे आप वो लंबे टाइम तक अपने साथ चला सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले जो इस लिस्ट में नंबर वन पे आता है प्लांट वो आता है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। तो सिंगोनियम का जो प्लांट होता है वो एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाना जाता है। सिंगोनियम के प्लांट को किसी भी तरह की केयर की जरूरत नहीं होती है, साथ ही साथ उसका प्रोपोगेशन काफ़ी इजी होता है। सिंगोनियम पे हमने हालांकि एक वीडियो बना रखी है, पूरी वीडियो है वो आप जाके चेक जरूर कर, बहुत अच्छी वीडियो है और उस पर हमारे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रखे, तो आप जाकर उसे जरूर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें हमने केयर और बाकी सारे टिप्स के बारे में भी बात कर रखी है। लेकिन अगर शॉर्ट में हम इसकी बात करना चाहें तो इसको आप इंडोर या आउटडोर दोनों तरह से ही लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इंडोर प्रेफर करते हैं क्योंकि लो लाइट में भी सर्वाइव बहुत अच्छे से करता है। इसमें कुछ चीज़ों जो ख्याल रखना होता है वो रखना होता है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना होता, थोड़ा ही पानी देना होता है। और अगर इसकी पत्तियों के ऊपर मिट्टी जम जाती है, एक लेयर एक परत जम जाती है मिट्टी की, तो उसको टाइम टू टाइम साफ करना होता है। और जब आप पानी दें तो उसके पत्तियों के ऊपर से दें ताकि उसके ऊपर की सारी मिट्टी साफ हो जाए। तो ये एक छोटा सा ख्याल रखना होता है सिंगोनियम के प्लांट में। अब जो दूसरे नंबर पर जनाब बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 9 o'clock प्लांट या 9 बजिया कहते हैं लोग या पोस्टुला कह सकते हैं। ये ब्राज़ील से एक पौधा आया होता है, ये ब्राज़ील का पौधा है और ये बहुत ही कलरफुल प्लांट होता है। इसमें बहुत सारे तरह तरह के कलर अवेलेबल होते हैं। इसको आप सीधे मिट्टी में लगा सकते हैं या पॉट में लगा सकते हैं या हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तीनों ही तरह से ये बहुत अच्छे से होता है और इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो एज अ मतलब लेजी गार्डनर कह सकते हैं कि ये प्लांट लगाना बहुत आसान है। साथ ही इसकी केयर की बात करें तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती, उसमें पानी आप नहीं देंगे तब भी चलेगा और ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल नहीं देना होता है। इसको आप पूरे सनलाइट में रखें जहाँ पे धूप प्रॉपर दिन की 6-7 घंटे की धूप आती हो वहाँ रखें, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावरिंग प्लांट को हमेशा धूप चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो साहब जो तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एरिका पाम के बारे में। एरिका पाम एक ऐसा प्लांट है जो आप इंडोर आउटडोर दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। इंडोर आप इसको रखेंगे तो ये बहुत बड़ा सा प्लांट होता है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। अगर आप इसको एंट्रेंस या अपने बेड वेड के बगल में रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ ये जो एयर पॉल्यूशन होता है घरों में या फिर जो भी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं उसको साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसकी केयर करना बहुत ही आसान है, इसकी जो मिट्टी होती है उसमें हल्की सी नमी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसको जो दोपहर की जो तेज़ धूप होती है ना 1-2 बजे वाली, उससे बचाना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जलने लगती हैं, तो उनसे इसे बचाना चाहिए। और महीने में एक आध बार इसमें खाद डाल लीजिए, गोबर की खाद आप डाल देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा या वर्मी कंपोस्ट या कोई सी भी खाद आप इसमें डाल सकते हैं। तो जनाब जो हम चौथे नंबर पर बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टार कैक्टस के बारे में। तो स्टार कैक्टस एक हवर्थिया की वैरायटी होती है, एक सपलेंट प्लांट होता है जिसमें जो ये पानी एब्जॉर्ब करता है वो रखता है अपने लीव्स के अंदर। तो इसकी लीव्स जो होती है वो बहुत ही शाइनी होती है और उसमें बहुत अच्छी चमक रहती है। इसको आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं, अपने घरों के अंदर रख सकते हैं, घरों के बाहर रख सकते हैं, ये दोनों ही जगह पर बहुत अच्छे सर्वाइव करता है। हालांकि इसको थोड़ी सी लाइट की ज़रूरत होती है, इसको ऐसा ना करें कि बिल्कुल डार्क प्लेस में ना ले जाएँ, जहाँ अंधेरा हो वहाँ पर ना रखें, इसको थोड़े बहुत उजाले की ज़रूरत होती है। सो इसके केयर की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसको एक छोटे से पॉट में हमें लगाना होता है और जब इसकी मिट्टी सूख जाए पूरी तरह तभी इसे पानी देना होता है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना होता है क्योंकि ज़्यादा पानी से ये प्लांट मर सकता है। तो जो फाइनली हम पांचवे पौधे की बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एग्लोनीमा के बारे में। एग्लोनीमा की 40 से ज़्यादा वैरायटियों के बारे में पता है और बहुत सारी वैरायटीज़ की अवेलेबल हैं अलग अलग कलर्स में। इसमें हरे, पिंक, रेड और बहुत सारे कलर्स में ये इसकी बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट होती है। मैं देखो ये सबसे पहली बात ये है, एक इंडोर प्लांट, ये एयर प्योरीफायर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से एयर पॉल्यूटेंट को ख़त्म कर देता है।
साथ ही साथ इसको कम सनलाइट की जरूरत होती है। बाकी अगर इसे केयर के बारे में बात करी जाए तो इसको भाई पानी की बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसका क्या हो सकता है कि मिट्टी में जो नमी की वजह से इसमें इसकी जो जड़ें होती हैं वो खराब होने लगती है और ये पौधा धीरे धीरे गलने लगता है। लेकिन अगर गल भी जाए तो इससे घबराना नहीं है, नीचे से क्या करना है वो जड़ वाले हिस्से को काट देना है, उसकी कलम लेके सीधे दूसरी मिट्टी में लगा देनी है और उसमें कम पानी देना है, तो इसमें नई रूट्स हो जाएगी तो वो पौधा भी सर्वाइव कर जाएगा। तो यही कुछ एक पांच प्लांट्स थे जो बहुत इजीली आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा लेजी हैं फिर भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी ये पांच प्लांट आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। साथ साथ इसमें बहुत सारे और प्लांट हैं जो आप लोगों को पता ही मिल सकते, जैसे मनी प्लांट हो गया, लकी बैम्बू हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, जीजी प्लांट हो गया, कैक्टस हो गए, तो इस तरह के प्लांट भी आप एज अ बिगनर लगा सकते हैं। मैं उनके बारे में इसलिए बात नहीं की उसके बारे में लगभग सारे लोग बात करते हैं। तो ये कुछ पांच प्लांट्स जिनके बारे में मुझे बताना था इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो लाल वाले बटन को प्लीज़ दबा दो, हमें आपके सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें और हमारी हेल्प करते रहें आगे बढ़ने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय, पीस आउट।